हेलो बेबीज। सो ये तीन बॉयज जो हैं वो निकल पड़े हैं मिशन के लिए, देखते हैं आज ये मिशन कामयाब हो पाता है कि नहीं। ये देखें जी कितना बड़ा माशाल्लाह जानवर है, एक ये जानवर देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सुबह के 7 बज गए हैं, जैसे कि आपको पता है ईद कुर्बान जो है वो 3-4 दिन दूर है, और आज उसी मिशन के लिए हम निकले हुए हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है मानी ने, और साथ में है हमारे जट साहब फराज जट, और हम आए हैं जी फैसलाबाद की मॉडल कैटल मार्केट में जानवर की तलाश में, और देखते हैं क्या बनता है आज। जानवर को ढूंढते हैं कुर्बानी के लिए इंशाल्लाह। ये व्लॉग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सो बॉयज ये एंट्री हो गई है मंडी के अंदर, कैटल मार्केट के अंदर। ये साइड पे ये सारे बकरे हैं और ये सारी पार्किंग है। ये फैसलाबाद की मॉडल कैटल मार्केट है सारी, यहाँ पे निकल के तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ सारा। सो ये तीन बॉयज जो हैं वो निकल पड़े हैं मिशन के लिए, देखते हैं आज ये मिशन कामयाब हो पाता है कि नहीं। जलालत तो मैं पता है थोड़ी सी काटनी पड़ेगी क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये देखें जी सुबह सुबह ये मंडी के मनाजर हो रही है, दोनों हमारे बशिंदे। ये सारी लोडिंग एरिया है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे जो जानवर हैं उनको लोड और अनलोड करते हैं। यहाँ पे आगे रैम बना हुआ है बहुत अच्छा, और ये सारा ये वाली साइड सारे बकरा साइड है। लेकिन हमारा मिशन है जी, हमने ख़रीदना है जी बैल, और वो इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे आगे जाके। तो अभी चल के जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ फैसलाबाद की जो मम्मी डैडी कैटल मार्केट बनाई हुई है हुकूमत पंजाब की तरफ से वो। तो बॉयज ये सारी कैटल मार्केट है, ये शेड्स बने हुए हैं वो लास्ट तक, और ये पीछे तक शेड्स हैं कोई 30-35 शेड्स हैं। और ये देखें कारपेट पे जानवर बैठाए हुए हैं, जैसे पता नहीं ये फर्स्ट आए हैं सारे, दिखाता हूँ आपको मैं आगे। ये देखें जी ये सारे कारपेट पे बैठाए हुए हैं उन्होंने, ये फुल VIP जानवर जो हैं। ये इधर भी ये AMB कैटल फार्म का शेड है, और ये देखें सारी डेकोरिंग की हुई है उन्होंने। लेकिन हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जो जानवर हैं वो हमारी माल्टो बेच के एक जानवर आना है, इतने एक्सपेंसिव जानवर है यहाँ पे, 1-1 मिलियन से ऊपर डिमांड है इनकी। और हम जाएंगे इसकी बैक साइड पे जो शेड से हट के है, वहाँ जाके तलाश करेंगे जी अपनी जानवर को, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि वो मिल जाएगा। ये देखें जी कितना बड़ा माशाल्लाह जानवर है, और एक ये जानवर देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये फराज जट जो है ये मेरा बड्डी है, बचपन का चड्डी बड्डी है मेरा। ये रात आया था मंडी में, इसे पूछते हैं मंडी के क्या हालात हैं। तो अस्तगफार, इनकी ऐसी की तैसी, इन्होंने तो जान लेनी है क्या। पेट्रोल 2 महीने पहले महंगा हुआ और इन्होंने पिछले 10 साल महीनों का भी खर्चा इसके ऊपर डाल दिया। कह रहे हैं पट्टे 6-6 हजार मन हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे हमें। हुकूमत पंजाब का बहुत खराब सिस्टम हुआ है इस टाइम। फराज के साथ मेरी बात हो रही थी, ये बता रहा था कि मंडी में जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं इस टाइम पे। और ये तो जी हैं ये जितनी भी ये कैटल शेड मार्केट है ये सारी है जी। अगर आपके पास प्राडो वगैरह है तो आप यहाँ पे आके ब्रेक लगाओ और अपनी यहाँ से शॉपिंग कर लो, लेकिन हमें जाना पड़ना है पीछे वाली साइड पे गरीबों वाली मंडी में, जहाँ पे हमारे गरीबों का कोई डील बन जाए किसी जानवर के साथ। इसलिए हम यहाँ पर बिना रुके यहाँ से चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो प्राइजेज हैं वो टू मच आई हैं। सो बॉयज़ ये मंडी आ गए हैं, ये वाला जानवर पसंद आया था लेकिन इसके ना वो ज़ख्म है बॉडी के ऊपर, सामने नज़र आ रहा होगा आपने, ये देखें। और देख रहे हैं आगे, अब मैं भी हूँ और मेरे साथ ही मेरे दोस्त भी हैं, और हम मंडी में जानवर को ढूंढ रहे हैं। 3-4 जो जानवर है वो पसंद हैं लेकिन उनकी प्राइस इतनी हाई थी हम चुप करके आगे आ गए हैं। अब ये एक और जानवर है, ये देखें माशाल्लाह, अब इसका पूछते हैं क्या कहते हैं। नहीं मैं
ये जी माशाल्लाह सामने बैल है इसका, ये बैल है जी माशाल्लाह, ये इसका इसकी डील हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल, इसको लेकर चलते हैं जी घर, एक ये था और एक ये, लेकिन इसकी डील हुई है। ये जी माशाल्लाह बैल ले लिया है, और ये अब डॉक्टर साहब को चेक करवाने आए हैं कि इसको लैम्पी वायरस तो नहीं है, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और ये जो हमारी कुर्बानी है इसको अपनी बारगाह रसालत में कबूल करें, और जो नहीं कुर्बानी कर सकते अल्लाह पाक उनका भी तफीक दे इसकी। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सुबह के आए हैं 12 बज गए हैं, और अब यहाँ से फ्री होकर सीधा घर जाना है, फिर घर जाकर को मजीद में डिटेल दिखाता हूँ। सो बॉयज़ मैं घर आ गया था, अभी सो के उठाऊँ, इतना ज़्यादा थक गया था यार मैं, सुबह 5-6 बजे से गए हुए थे और हम 12 बजे मंडी से वापस आए थे जानवर लेके, तो मैं उससे पिछली रात भी सारी रात सोया नहीं हूँ, व्लॉग बनाया था उसको एडिट करता रहा और जागता रहा, इसकी वजह से तबीयत जो है जिसकी वजह से तबीयत जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, अभी 3-4 घंटे सोए हैं, तो ऑफिस से कॉल होगी, तो ऑफिस से कॉल आ गई है कि काम है ऑफिस में तो आप आ जाओ, तो अब ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो जानवर हम लेके आए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने घर में ला के बांध लिया, तो आ जाए आपको दिखाते हैं। ये अपनी दोनों बेबीज़ खड़ी हैं, हेलो बेबीज़, पीछे जा रहे हैं जी, पीछे बांधा हुआ जी जानवर, ये देखें जी माशाल्लाह, ये खड़ा है माशाल्लाह, बहुत ही शरीफ जानवर है ये, थोड़ा थोड़ा गुस्सा कर रहा है, पता नहीं क्यों, जगह दूसरी पे है ना इस वजह से थोड़ा थोड़ा मार रहा है, लेकिन खैर है इतना जो जानवर है वो मारते ही होते हैं, क्योंकि जगह जब चेंज होती है तो ये फिर गुस्सा करते हैं कि हमें अपनी पुरानी जगह पे छोड़ के आओ, और ये नीचे से जो है टाइल लगी हुई है ये तो बेसिकली थोड़ी कच्ची ज़मीन पर रहने के आदि होते हैं, तो ये मानी है इसका, ये रिश्तेदार है, मानी ही तुम्हारा रिश्तेदार है, ये है ये क्या लगता है तुम्हारा रिश्ते में, रिश्ते में तुम्हारे बाप, तुम्हारा बाप अच्छा मानी ने कह रही थी ये रिश्ते में हमारा बाप लगता है, कह रहा है इसकी भी इसका भी कसूर नहीं है, भी साथ गया हुआ था, इसके भी जो दिमाग की सेटिंग है वो थोड़ी सी खराब हुई हुई है। ये जी पानी पी रहा है गर्मी से, जो इसको प्यास लग गई है, मैं इसका नाम क्या रखना है, कोई भी प्यारा सा लगता है, क्या नाम रखना है इसका, तुम रख दो यार, क्या रखें बताओ, मेरा नाम बस रख दे, चतवारा ना रखें इसका रख दे, अच्छा मानी इसके फीचर क्या क्या, गाड़ी में इस तरह फीचर होते हैं तो इसके फीचर क्या क्या हैं, एक सर, एक नाक, दो कान, दो आंखें, ये किस कंपनी का है, ये जन्नती कंपनी का है, जन्नती कंपनी का, हाँ वो तो है जी माशाल्लाह जन्नती कंपनी का ही है जी, है तो ये बेचारा दो दिन का मेहमान है, दो आज है जी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को दिखता है, आज दो दिन के बाद अल्लाह पाक की राह में कुर्बान जाना है, खैर जा रहा हूँ मैं ऑफिस, और ऑफिस जाके तो वहाँ पे टाइम हुआ, वहाँ पे बात करूँगा, नहीं तो फिर घर आके आप दोबारा मुलाकात होती है, ऑफिस से आ गया था मैं, और ये मानी है, अब ये बैल के लिए जो है ना चारा लेने आया मैं पट्ठे, वो मानी खड़ा है सामने, इसके लिए पट्ठे ले रहा है, और इधर से लेना है उसका चोकर वगैरह मंडा, अब ये ड्यूटी भी साथ साथ है, इसको जाके फिर खिलाते पिलाते हैं कुछ, और इसकी करते हैं जी सेवा, क्योंकि कुछ दिन के बेचारा मेहमान है, यहाँ से ले लें चीज़ें वगैरह, फिर घर जाके मैं दिखाता हूँ आपको अगेन हमारे दोस्त को यानी बैल को। हाँ जी बानू क्या करना है, वो अभी बैल देखने आए हो हैं, प्यारा लगा आपको भी बैल कि नहीं, अरे बोल तो सही, बॉयज ये भी ना बैठा बैल को देख रहा है इधर, और उससे डर है उसके पास नहीं हो रहा बॉयज इसको चारा डाल दिया ला के, अभी ये माशाल्लाह चारा खा रहा है, हाँ जी मज़ेदार है कि नहीं, वह सब्सक्राइब किया तूने हैं कि नहीं, अच्छा किया हुआ है ठीक है, वीडियो वीडियो एडिट करनी है, एडिट करने के बाद मैं भी सो जाऊंगा,
ये था बॉयज आज का वीलॉग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।